बार फिर से आ गया है डीएसए कोर्स के साथ प्रॉब्लम्स ऑन एरे। और आज की जो प्रॉब्लम है वो है हमारी टू सम प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत ज़्यादा यार आपने नाम सुना होगा दो सम का प्रॉब्लम। ठीक है, और बहुत क्विक ये इंटरव्यू में पूछी जाती है। ठीक है, इसके बहुत सारे वेरिएशंस भी हैं जो हम आगे फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज हम टू सम प्रॉब्लम्स को समझेंगे। इसके दो वेरिएंट होते हैं। पहला वेरिएंट तो सिंपल हो सकता है कि क्या होगा, आपको एरे दिया जाएगा, आपको टारगेट दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा क्या यहाँ से इनमें से किसी उससे दो किन्हीं भी दो नंबर के सम से क्या वो इक्वल हो सकता है टारगेट के, तो वहाँ पे बस येस रिटर्न करना होगा। और एक होगा कि आपको क्या करना होगा, आपको इंडेसेस रिटर्न करने होंगे कि वो कौन कौन से इंडेसेस हैं जो ये सम बनाने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों सिमिलर ही हैं। ठीक है, पहला वाला वेरियंट मैं आपके लिए देता हूँ और दूसरे वाले वेरियंट से हम समझते हैं क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, और चलते हैं बोर्ड पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले हम समझते हैं, हम एक एरे ले लेते हैं समझने के लिए। यार सबसे बेस्ट होता है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को करो तो एक एरे ले लो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया गया हो तो बहुत बढ़िया, ना दिया गया हो तो सेल्फ मेड एरे ले लो। ओके, जैसे 5, 8, 11, दिस इज अवर अ शॉर्ट सिंपल एरे। टारगेट जो हमने लिया है वो हमने लिया है भाई 14। हमने क्या भाई, किन्हीं भी दो सम के वेरिएशन से हमें 14 बनाना है। अब सिंपल है बेसिक अप्रोच कि टारगेट हमें निकालना है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई चल सम कर करके देख लेते हैं। तो ब्रूट फोर्स लिए अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, हम पूरे एरे में ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, जैसे अब तक हम करके आए हैं, हमने क्या करा, हमने एरे में ट्रेवर्स करा, हमने 2 को लिया। ठीक है, 6 के साथ आया, नहीं आया। हमने 2 को लिया 5 के साथ, क्या आया, नहीं। क्या हमने 2 को 8 के साथ लिया, आया, नहीं। हमने 2 को 11 के साथ लिया, नहीं आया। ठीक है, तो हमने क्या भाई 2 नहीं आएगा। चलो, हमने फिर 6 को 5 के साथ लिया, आया, नहीं। ठीक है, चलो इसको जो है मैं इरेज कर देता हूँ जो मैंने 2 वाले लिए थे। ओके, एक बार जिससे समझने में इजी रहे, और मैं मार्कर भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ मेरा 2 वाला तो नहीं है भाई। अब मैं 6 को 5 के साथ सम करता हूँ, 2 सम में 6, 5, 11, 14 के इक्वल है, नहीं यार, तो ये भी नहीं है। 6, 5, 8, 14 के इक्वल है, हाँ जी बिल्कुल है। क्या हमें टारगेट मिल गया, हाँ जी मिल गया, तो यस रिटर्न कर दिया। और हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे ब्रेक करके हम बाहर आ गए। ठीक है, क्या हमें फर्दर चेक करने की ज़रूरत है, नहीं। ठीक है, तो ये ही इस तरीके से ही हमें करना है। तो ब्रूट फोर्स तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ब्रूट फोर्स सिंपल है यार, हमें क्या करना है, हमें i02 n चलाया, j को जस्ट हम एक आगे रख के चलेंगे। ठीक है, j इज जस्ट i+1, 2, n, दो इनर लूप चलाए। और हमने क्या कहा, इफ i=j, क्या ये कंडीशन की ज़रूरत है, नहीं यार, ये कंडीशन की तो ज़रूरत हुई नहीं क्योंकि हमने एक आगे रख लिया। ठीक है, अब हमें सिंपल, हमने कहा कि भाई अगर एरे i+array j इज इक्वल्स टू के, मतलब हमारे टारगेट, तो भाई येस रिटर्न कर दो और सी आउट कर दो क्या i और j। आई होप आपको ब्रूट फोर्स समझ में आई होगी। दो लूप्स चल रहे हैं, सिंपली हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो गई वो गई n2। क्या ये एक अच्छा सॉल्यूशन है इंटरव्यू में बताने के लिए, स्टार्टिंग के लिए अच्छा है, लेकिन हम क्या इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अगर इंटरव्यू ने पूछा, हाँ जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इसे हम ऑप्टिमाइज़। ठीक है, तो चलते हैं ऑप्टिमाइज़। ऑप्टिमाइज़ में आपके माइंड में क्या आ रहा होगा यार? ठीक है, ऑप्टिमाइज़ में यार सिंपल है कि भाई जब भी हमें टाइम को हम सोच सकते हैं कि भाई हम ऐसे करते हैं, हमें लीनियरली ट्रेवर्स करना है। अब तक हम 2 बना रहे थे, हम लीनियरली ट्रेवर्स का कुछ देखते हैं ना, तो हमने क्या, चल भाई ऐसे करते हैं स्टोरेज का एक बना लेते हैं। हमने लिए लिए सबसे बेस्ट स्टोरेज के लिए, यहाँ पे क्या रहेगा, हैशिंग। हमने क्या, हैशिंग ले लेते हैं। ठीक है, अब हैशिंग ले लिया तो हमने 2, 6, 5, 8, 11 लिया, ये हमारा पॉइंटर है। ठीक है, और हमने क्या करा, हमने मैप लेके हमने क्या करना स्टार्ट करा, हम 1 बाय 1 एक पे चलेंगे। ठीक है, जैसे हम स्टार्टिंग में 2 पर है, 2 पर है, हमने क्या क्या हमें और क्या चाहिए, तो हमने निकाला वही मोर। और मोर हमने कैसे कैलकुलेट करा, टारगेट माइनस जिस इंडेक्स पर हम हैं, जैसे कि 2।
12, क्या हमारे मैप में पड़ा है? नहीं यार, मैप में तो नहीं है। हमने क्या कहा? हमने कहा चल भाई ठीक है कोई नहीं, नहीं है तो इसे स्टोर करवा ली इस इंडेक्स पे। हमने इंडेक्स पे स्टोर कर लिया। हम नेक्स्ट पे बढ़ गए, 6 14 -6 8, क्या हमारे मैप में है? नहीं है यार, तो हमने क्या इस इंडेक्स पे स्टोर करवा लिया। नेक्स्ट पे बढ़ गए, 5 5, क्या 9 हमारे इंडेक्स में है? नहीं है मैप में। 8 पे आ गए, 14 -8 आया 6, क्या 6 हमारे मैप में है? हाँ जी बिल्कुल है। हमने क्या, बस काम हो गया मैप। हमने यहाँ से मारा ब्रेक और हमने क्या करा, हमने उस इंडेक्स को रिटर्न करा, साथ में जो है मैप में जो रिमाइंडर था उसे रिटर्न कर दिया और ये हमारा आंसर बाहर आ। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अगर हम देखें तो ट्रैवर्स करने के लिए एन और साथ में हम मैप यूज़ कर रहे हैं तो लॉग, तो हमारी एन लॉग एन जो है यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है। और हमने मैप ले रखा है फॉर एन डिजिट्स तो ओ ऑफ एन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है। ठीक है, क्या हम इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है तो ये अच्छा सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम देखें बेस्ट सॉल्यूशन की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इससे तो कम नहीं जाने वाली, लेकिन हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो। क्या कर सकते हैं देखते हैं, उसे भी समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिकली उसके लिए हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं टू पॉइंटर्स अप्रोच। ठीक है, हमने क्या करा, हमने सॉर्ट कर लिया एरे को, और सॉर्ट कर लिया तो हमने एल को रखा 0 पे, आर को रखा हमने कहाँ पर, n-1। और हमने जो है एल टू आर अपना लूप चलाया और हम सम कैलकुलेट करते गए। अगर हमारा सम इक्वल्स टू के आ जाए तो वहाँ हम रिटर्न कर देंगे। अगर सम लेसर देन, इफ सम जो है वो लेसर देन टारगेट है तो हम क्या कहेंगे कि भाई एल को प्लस प्लस कर दे। और अगर सम बड़ा हो गया तो हमने क्या भाई आर को, क्योंकि इधर बड़े वाले क्योंकि शॉर्ट है ना, इंक्रीजिंग वे में जा रहा है ना, तो वही चीज़ हमें समझनी। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी गई, सॉर्टिंग लग रही है तो एन लॉग एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं, O(1). तो आइए चलिए कोड पे चलते हैं, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम कोड करते हैं इसे। सबसे पहले मैं हैश मैप से आपको करके दिखा देता हूँ एक बार, दोनों से ही रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या लिया, हमने लिया मैप इंट इंट MPP, फिर हमने क्या लिया, हमने एक फॉर लूप लगा लिया एन तक का। एन तक का फॉर लूप लगाने के बाद हमने लगाया मोर, हमने क्या मोर में देखते हैं, और मोर में हमने क्या करा कि भाई हमने k माइनस एरे ऑफ आई करा। ठीक है, और इफ चेक करा कि MPP.find, अगर हमारा मोर है और मिल जाता है MPP.end तक, तो मैं क्या कहूँगा भाई, मैं कहूँगा कुछ मत करो, यहाँ पे मार दो रिटर्न। रिटर्न में क्या मार दो, रिटर्न में कर दो कि एक तो वो आई दे दो। ठीक है, तो आई तो MPP मोर, तो MPP मोर और आई जो है वो रिटर्न कर दो। ठीक है, और अगर ये नहीं है तो MPP में जो हमारा नम्स आई है उसे स्टोर कर दीजिए। सॉरी नम्स नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे है एरे आई। ठीक है, और अगर ये पूरा ट्रैवर्स हो गया नहीं आता तो रिटर्न कर दीजिए लास्ट में -1 -1। ठीक है, तो चला के देखते हैं गाइस। इन्होंने क्या, की इज नॉट डिक्लेयर्ड। ओके, अब हमारा ये के नहीं है, ये हमने टारगेट ले लिया है। क्या हो गया, रुकिए जरा, ओके ठीक है ठीक है ठीक है।
हमने जो है अपना 2, 6, 5, 8, 11 और टारगेट हमने दिया 14, तो हमारे इंडेसेस आ गए 1 और 3। ठीक है, 1 पे 6 और 3 क्योंकि 0 इंडेक्सिंग है। ठीक है, तो 3 हमारा जो है 8, तो हमारा जो है यहाँ पे आंसर आ गया है मैप से। अब हम क्या करेंगे, हम इसे ही जो है अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन से करेंगे यहाँ पे, क्योंकि टाइम का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी जा रही है। तो इसे मैंने करा हाइड और मैंने कहा कि चल भाई अब करते हैं स्पेस वाले से। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने सॉर्टिंग लगा ली, ठीक है, एरे डॉट एंड तक सॉर्ट कर लिया मैंने। सॉर्ट करने के बाद मैंने क्या करा, मैंने एल ले लिया 0 को और आर ले लिया हमने n-1। ठीक है, और मैंने यहाँ पे चलाया वाइल एल टू आर इंट सम इक्वल्स टू एरे ऑफ एल प्लस एरे ऑफ आर, इफ सम इक्वल्स टू के हो जाए तो भाई वहीं पे रिटर्न मार दो क्या एल और आर को, एल सिर्फ सम अगर छोटा है तो एल को प्लस प्लस कर दो, एल्स में आर प्लस प्लस कर दो। ठीक है, और अगर भाई ये सब कुछ सब फेल हो जाए और ये वाइल से बाहर आ जाए तो भाई सिंपल रिटर्न मार दो -1 -1। तो अब रन करा हमने, सेम, ठीक है, 8, 11 और ये हमने दिया 14। ओके, कहाँ पे गलती करी हमने, अच्छा आर को प्लस प्लस कोई करूँगा यार, रुकिए, आर तो हमारा माइनस माइनस होगा ना, फाइव टू टू सिक्स फाइव एट इलेवन। ठीक है, तो ये हमारा जो है डन हो चुका है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ एंड आई होप आपको समझ